राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे, सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, हमने एक पोंचो बनाया है और साथ में इसके कैप बनाई है। ये जो है हमारा 10, 11, 12 तीन साइज में ये कान्हा जी को आराम से आ जाएगा, क्योंकि क्रोशिये का है। क्रोशिये का जो है कैप भी अच्छे से फैलता है, और हमने नेक पहले से थोड़ा सा बड़ा बनाया है और साथ में लगाई है डोरी, जो कि आप कान्हा जी के साइज के नेक के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये लेंथ जो हमने बनाई है कान्हा जी की, जिससे कि वो हाथ साइड से निकाल सके, उस हिसाब से बनाइए। अगर आपको पूरा कवर करना है तो ये लेंथ आप और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने एक मंदिर में, मतलब कि कान्हा जी दो कान्हा जी हैं एक ही साइज के, तो इसलिए मैंने एक बना चुकी हूँ और सेम इसी साइज का मैं एक और बनाऊंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए, क्योंकि बड़ी ड्रेस मैंने नहीं बनाई है। तो ये हमारे इस तरीके से मैंने हाइट में नापा उनको, तो ये 10 इंच ऊंचे थे, तो इसका मतलब वो 11-12 नंबर के हैं। और ये जो हमने बनाया है यहां से कंधे से नापे पोंचो नीचे, तो 7 इंच का बनाया है। तो ये आप मतलब कि क्योंकि सर से ऊपर हमने इस तरीके से नापा है, तो हमारा 10 है। इसी तरीके से मैंने देखिए रखा हुआ है, तो 10 इंच है क्योंकि ऊपर कैप है, तो ये कैप से कंधे से नीचे आएगा, तो ये हमने 7 इंच का बनाया है। तो लेंथ आप अपने हिसाब से ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि यहां से जब शुरू होता है तो ये तो आपके हाथ में, आप कितना बड़ा इसको कर सकते हैं। तरीका छोटा हो बड़ा हो, नेक से ही आप आइडिया लगा लेंगे, नेक किसी का छोटा है बड़ा, तो इस हिसाब से इसको बड़ा या छोटा आप कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। साथ में हमने कैप बनाई है, तो चलिए हम पोंचो बना लेते हैं। तो ये साइज हमारा 10, 11, 12 नंबर कान्हा जी को आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने इस पोंचो के लिए ये दो शेड लिया है, और ये 3-ply की ऊन है, और इसमें हमने 9 नंबर का क्रोशिया लिया है। जैसे अभी हमने इसमें बेस हमारा पिंक था, इसमें हम ये डार्क शेड करेंगे और पिंक से बॉर्डर बनाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही मंदिर में विराजमान है, तो दोनों का कलर सेम होना चाहिए। सिर्फ हमने कंट्रास्ट एक रखा, लेकिन कलर ऊपर नीचे चेंज कर दिया है। तो हम इस कलर से शुरू करेंगे बनाना। ये देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इसमें मैंने जो है यहाँ से नेक से, ये देखिए मैंने डोरी से इसको खींचा हुआ है थोड़ा सा, इसका जो नेक है बहुत ही बड़ा है। अच्छा, ये देखिए, तो मैंने इसको पहले से, अगर मैं इंच टेप से इसको नापती हुई, देखिए ऐसे 6, यानी कि 6, 6, 12 12 इंच का मैंने नेक बना के तैयार किया है, जिसे कान्हा जी को आराम से आप पहना सके, यानी कि खींच खींच के। तो मैं इसी साइज का बनाऊंगी। तो इसमें मैंने जो चेन डाली है ऊपर, यहाँ पर 42 चेन मैंने डाली है, तो 42 चेन बना के तैयार करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप 9 नंबर क्रोशिये से, अगर आप ड्रेस बनाते हैं तो 32 में 10 नंबर की ड्रेस में बनाती हूँ आगे, जैसे भी बड़ा साइज है 10, 11, 12 तक ये आराम से आ जाएगा। तो चेन उसी हिसाब से आप हर साइज में 2 या 3 चेन बढ़ा सकते हैं। तो पोंचो में आपको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम डोरी लगा के कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो 42 चेन बना लेते हैं। ये देखिए, हमने 42 चेन बनानी है, तो हमने 21 बना लिए, यानी कि 21 चेन हमने बना ली है। 42 चेन हमने बनानी थी, तो 21 चेन बना ली है। तो ये 21 चेन पर, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, जो इस ये चेन है ये 21 है हमारी, तो यहाँ पर हम इस तरीके से धागा लगा देते हैं, जिससे कि हमें याद रहे कि ये हमारा सेंटर है। तो हम पहले से ही इस तरीके से निशान लगा लेते हैं, जिससे हमें बाद में गिनना ना पड़े। तो ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिया, ये देखिए जो इसकी पीठ नीचे वाली है, इस पर हमने लगाना है, क्योंकि हम 21 बना चुके हैं। एक तरफ 21 हो जाएगी, एक तरफ 21, क्योंकि हमें यहाँ पर इस तरीके से स्टिच बढ़ानी है। ये सेंटर है हमारा और ये सेंटर है, तो ये हमने सेंटर पे इस तरीके से निशान लगा लिया, और इसके बाद फिर 21 चेन बना लेंगे, तो हमारी 42 चेन बन के तैयार हो जाएगी। 1, 2, 3 इस तरीके से हम 21 चेन और बना लेते हैं। तो देखिए, इस मार्कर लगाने के बाद में हमने 21 चेन फिर से ले लिया। अब ये चेन स्टिच है ना, इसको आपको इस तरीके से ऐसे ले जाना है, ये पलटने नहीं चाहिए, इसी पोजीशन में ऐसे ले जाते हुए। देखिए चेन स्टिच आपको दिखाई देगी, ये देखिए उल्टी साइड से ऐसे, इसको इस तरह से पकड़कर, और यहाँ से हमने ऐसे
लास्ट वाली चेन है ये जो हमारी, जहाँ से हमने शुरू किया था, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए फर्स्ट चेन जो है इसमें से हमने क्रोशिया डालना है, धागे को पीछे रखना है और यहाँ से स्लिप स्टिच करके इसको जोड़ देना है, ये देखिए ऐसे। ये जोड़ दिया हमने और यहाँ से तीन चेन ले लेंगे, एक दो तीन, तो ये आपस में इस तरीके से जुड़ गया। तो ये नेक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपके ऊपर है आपको कितना बड़ा बनाना है, क्योंकि अगर डोरी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे मैंने डोरी लगाई है। तो ये देखिए हमारा उल्टी उल्टी साइड से ऐसे आ रहा है, हमने सीधी साइड पे इस तरीके से ये देखिए चेन को ऐसे पकड़ना है और यहाँ से ये देखिए फर्स्ट चेन जहाँ से हमने स्लिप स्टिच लेके तीन, ये देखिए ये जो पहली चेन है तीन चेन लिए, यहीं पर हम फिर से डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो यहाँ पर आप दो बार या तीन बार ले सकते हैं, जैसे ये तीन चेन हो गई, एक और हो गया, दो हो गए और ये तीन, क्योंकि हमारा बड़ा पोंचो है थोड़ा, इसलिए हमने तीन स्टिच ले ली। अब यहाँ पर हम दो चेन लेंगे, एक और ये दो, सेम चेन जहाँ से हमने ये स्टिच लिए डबल क्रोशिया की, इसी में से फिर से तीन बार डबल क्रोशिया ले लेंगे, एक और दो, और ये तीन, ये हमारा कोना बन गया, ये देखिए ये, इसमें मैंने दो दो स्टिच लिए है और मैंने इसमें तीन लिए है, तो इस आप ये मत सोचिए कि दो नहीं ले सकते, दो भी ले सकते हैं। तो देखते हैं इससे थोड़ा सा लेंथ में फर्क पड़ता है नहीं, ये भी पता चल जाएगा। ये बड़ों के लिए जैसे अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, ये धागा आपका थोड़ा सा फर्स्ट चेन है तो थोड़ा इसको आप इस तरीके से खींच लीजिए, बाद में हम इसको या ऐसे साथ साथ चेन के भी ले सकते हैं। तो ये ले लिया हमने, अब यहाँ पर जितने भी चेन है यानी कि मार्कर है ना जो हमारा, यहाँ पर सेम ऐसा कोना बनाना हमने। अब हमें यहाँ से हर चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया लेना है, तो ये चेन इसीलिए ऐसे पकड़ के, ये देखिए यहाँ पर हमने लिया, फिर से अगली चेन में, और आप गिन लेंगे एक बार फर्स्ट रो में तो ठीक है, जिससे कि आपका गलत ना हो, जैसे एक दो, यहाँ पर 20 होनी चाहिए, 21वीं ये हो गई, जैसे 21 21 पे हमने, तो 20 इधर है 20 इधर है, तो यहाँ से मार्कर से पहले यहाँ तक 20 होनी चाहिए और जो 21वीं होगी उस पर हमने कोना बनाना है, और यहाँ से हमारी 20 होकर यहाँ पर हमने कोना बना लिया, या आप यहाँ से और यहाँ तक हमारी 21 है और यहाँ से यहाँ तक हमारी 21 है। तो ये हर चेन में से एक एक बार हम डबल क्रोशिया ले लेंगे, ये देखिए कोई मिस नहीं करनी, और गिन भी लेना आपको कि आपसे गलती तो नहीं हुई है, 20 है या कहीं 19 तो नहीं है, नहीं तो थोड़ा शेप में फर्क पड़ जाता है। तो फर्स्ट रो में आप गिन लेंगे तो वो देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से हमने मार्कर तक बना लेना है। तो देखिए हमारी 18 हो गई है, दो चेन हमारी बची, इसका मतलब हमारा ठीक है। अगर आपका थोड़ा सा मान लीजिए फालतू हो जाता है तो आपको यहाँ पर किसी भी, अरे यहाँ पर ठीक है तो आप उधेड़े के ना, उधेड़ना नहीं, एक ही में से दो ले लेना, यानी कि आपका दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, अगर या फिर माइनस कर लेना। तो ये हमारा 19 हो गया और ये लास्ट में हमारा 20, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी चेन 20 थी, तो 20 स्टिच हमने ले लिए। अब ये मार्कर जो हमने लगाया है इस चेन में से हमने कोना बनाना है, 21वें कोना, मतलब जो है 21वें में हमने कोना बनाना है। तो पहले हम लेंगे डबल क्रोशिया तीन बार, एक दो और ये तीन, सेम चेन में से हम ले रहे हैं, तीन बार डबल क्रोशिया ले लिया, ये देखिए दो चेन और फिर से इसी चेन में से तीन बार डबल क्रोशिया, तो ये हमारा दूसरा कोना बन गया। और फिर से हर चेन में से हम एक एक बार डबल क्रोशिया लेके दूसरे कोने तक पहुंचेंगे, ये देखिए ये कोना बन गया। अब यहाँ से फिर से हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया लेंगे, ये देखिए हर चेन में से हम डबल क्रोशिया ले रहे हैं और यहाँ तक पहुंच जाते हैं फिर से। तो देखिए हमारी 20, ये देखिए डबल क्रोशिया हो गया, इधर भी और ये कोना है, एक ये कोना है इस तरीके से, देखिए
ये नेक है। अब हम यहाँ किनारे पे आ गए हैं जहाँ से 3 चेन से शुरू किया था। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा, ये देखिए 1, 2, 3 तीसरी चेन में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच लेके इनको आपस में जोड़ देंगे। ये देखिए अब ये जो 2 चेन ली थी, यानी कि ये जो हमारा देखिए अलग से लूप बना हुआ है, 3 इधर हैं 3 इधर हैं, यहाँ पर हमें आना है। तो ये जो चेन है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ पर चले जाएंगे। ऐसे लिया, ऐसे 1 और ये 2 और तीसरी में हम सीधा इसके अंदर, यानी कि हमें यहाँ पर पहुँचना है। इसके बाद फिर से यहाँ पर 1, 2, 3 स्टिच लेंगे और 3 बार क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर से हम अपना कोना बनाएंगे। 1 चेन वाला भी गिनेंगे, ये 2, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 3 बार डबल क्रोशिया। ये आपको सिर्फ बड़े साइज में करना है क्योंकि मैं बड़े साइज बना रही हूँ। इसके बाद कितने भी बड़े साइज हो आप सभी में इसी तरीके से आप कोना बनाएंगे। अगर छोटा 0 साइज का काना जी का बना रहे हो आप तो 2 स्टिच ही लेंगे यहाँ पर, बाकी सब में 1। वो मैं आपको फिर बताऊंगी। 6 नंबर का मैं बता चुकी हूँ, आप उस तरीके से बना सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने इसमें 2 स्टिच किए हैं ऐसे आप 2 बना सकते हैं। तो इसमें मैंने 3 बनाई क्योंकि थोड़ा सा उनमें फर्क भी है। ये देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से सेम डिज़ाइन बना रहे हैं हम। ये 3 3 हो गए, कोना बन गया, कोई चेन नहीं लेनी, सीधा डबल क्रोशिया लेना आपको यहाँ से। 1, देखिए 1, 2, 3 तीसरी चेन में इस तरीके से आपको 1 बार डबल क्रोशिया, इसी चेन में से 3 बार डबल क्रोशिया लेना आपको, 2 और ये 3। ये चीज़ आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर शुरू नहीं की, यहाँ पर हमने डोरी डालनी है। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गया, फिर से धागे को घुमाया, फिर से देखिए 3 1 2 3 तीसरी चेन में फिर से सेम रिपीट करना है, 1 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। ये देखिए इस तरीके से बन रहा है हमारा। ऐसे हमें पूरा कोने तक बनाना है, 1 1 2 3 तीसरी चेन में 3 बार डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमारा बढ़ता रहेगा। ये देखिए ऐसे हमें यहां तक बनाना है अपने कोने तक। तो देखिए हमने इस तरीके से बना लिया। अब यहां पर हम आ गए, यहां पर हमने 3 स्टिच ले लिया, यहां पर क्रोशिया घुमाएंगे और सीधे इस कोने में यहां से जो 6 स्टिच है हमारी, यहाँ पर बीच में से 2 चेन जो ली थी लूप है जो हमारा ये, इसके अंदर से फिर से कोना बना लेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। बस आपका अपने आप बढ़ता जाएगा, आपको बस इतना ही करना है। फिर से 2 चेन और ये कोना हमने बना लिया, 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर यहाँ से गिन के शुरू करना है। ये देखिए यहाँ पर हमने बनाया है 1 2 3 तीसरी चेन में। ये देखिए ये अलग से आपको स्टिच दिखेगी 1 2 3, तो आपको चेन गिननी है, यानी कि 1 2 और ये 3 तीसरी चेन में सेम फिर से 3 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे कोने तक इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए 3 बार डबल क्रोशिया, फिर तीसरी चेन 1 2 3 तीसरी चेन में फिर से डबल क्रोशिया, तो हम दूसरे कोने तक इसी तरीके से बना लेते हैं। तो देखिए हमारा कोने पे हम आ गए यहाँ से बनाते हुए। तो दोनों तरफ आप एक बार ये स्टिच जरूर गिन लीजिए जो हमने लिया है, जैसे 3 3 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और ये आ गया कोना। तो यहाँ से भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब अब ठीक है, अगर आपका कम होता है तो आपने चेन में गड़बड़ करी है, कुछ ना कुछ आपकी कमी है तो आपको ढेरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आ गए हम। अब यहाँ पर ये देखिए फिर से यहाँ से हमने 3 चेन लेके शुरू किया था, ठीक पहले की तरह इसी फर्स्ट चेन में से ऊपर की, यानी कि 1 2 3 तीसरी चेन में ऊपर से हम स्लिप स्टिच लेके इसको जोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से बनना शुरू हो गया। तो अपने आप ही बढ़ेगा, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अब यहाँ पर इस लूप तक हमें आना है, तो बस आपको ये जो स्टिच है ऊपर की चेन है इसमें से स्लिप स्टिच लेते हुए 1 बार ले लिया, दूसरी चेन में से 1 बार ले लिया और फिर ये कोने में आ गए। ठीक है,
यहाँ से फिर से तीन चेन, एक दो तीन, जैसे अभी बनाया हमने इसी तरीके से हम इसको बढ़ाते रहेंगे जब तक कि हमें अपनी मनपसंद इसकी लेंथ पूरी नहीं हो जाती। ये देखिए इस तरीके से बस आपको ऐसे ही घुमाते रहना है। ये देखिए अभी मैं अभी सेकंड राउंड आपको सिखाऊंगी, उसके बाद आप समझ जाएंगे कैसे बनाना है। ये देखिए ये कोना बना लेते हैं पहले, क्योंकि हमारी फर्स्ट रो थी। अभी हम यहाँ पर दो चेन ले ली हमने, फिर से तीन बार डबल क्रोशिया लिया, दो और ये तीन, ये देखिए। अब आपको कुछ नहीं करना, गिनना भी नहीं पड़ेगा आपको कि तीन चेन सिर्फ आपको फर्स्ट रो में गिनना है। अब आपको सीधा क्रोशिया के ऊपर से धागा घुमाया और ये जो तीन तीन के बीच में ये आपको लूप दिख रहे हैं, हर एक में से आपको बस इस तरीके से तीन तीन बार डबल क्रोशिया लेना है। ये देखिए इस तरीके से, तो कोई चेन आपको नहीं गिननी, बस फर्स्ट टाइम में आपको रो में ये गिनना है। ये देखिए ये ले लिया, फिर अगले इसमें चले गए, तो ऐसे आपको बस आपका अपने आप इसकी चौड़ाई जो है बढ़ती रहेगी। जैसे हम तीन प्लाई से बना रहे हैं ऊन अच्छी मोटी हमारी, तो यहाँ पर फिर ऐसे कोना बन जाएगा, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ पर फिर से हम स्लिप स्टिच लेके यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे ही हमने पूरा बनाना है। ये देखिए हम हर एक उसमें से इस तरीके से तीन तीन बार डबल क्रोशिया लेते हुए कोने पे आ गए हैं। ये देखिए लास्ट में हमने बिल्कुल ठीक इसके साथ में कोई, यानी कि आपको ये लूप छोड़ना नहीं है इसी तरीके से। अब सीधे आप ये सेंटर में आ जाएंगे, बस आपको इतना ध्यान रखना जब हमारा कोना हो तो उसमें हमें तीन नहीं, तीन और दो चेन और तीन, यानी कि टोटल हमें छह स्टिच लेनी है। बस आपको इतना ध्यान रखना है दोनों कोने का, और बाकी हमारा इसी तरीके से पोंचू जो है चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इसी तरीके से घूम कर आएंगे और यहाँ आएंगे तो तीन चेन पे यहाँ स्लिप स्टिच, फिर यहाँ पर दो बार, फिर यहाँ कोने पे। तो ये हमारा देख लेते हैं हम कितना, ये देखिए हमने यहाँ से एक दो तीन चार पाँच, पाँच रो बनाई है हमने, और उसके बाद ये दो हमारी ऐसी है छः सात आठ, आठ रो में हमने बनाया है। और इसकी जो हमारी इस तरीके से इंच टेप से देखें तो पाँच इंच है। तो कान्हा जी का हमने ऐसे नाप लिया तो उनका जो हाथ की लंबाई है वो पाँच इंच थी, यानी कि जो कान्हा जी के यानी कि पूरा हाथ तक इस तरीके से कवर हो जाएगा। तो हमने इस हिसाब से इसको बना के तैयार किया है। तो इसकी भी हम पांच रो बना लेते हैं, फिर हम कलर चेंज करके, ये दो रो भी सेम इसी तरीके से है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया हमने। चाहे तो आप लटकन लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो देखिए हमारी पांचवी रो हो गई है, हम इसको यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से लास्ट में आ गए हम, तो हर लूप में से हम इस तरीके से ले रहे हैं, कोई गिनती नहीं करनी इसमें, सिर्फ हमें बनाते जाना है। ये देखिए हमने यहाँ पर भी तीन बार डबल क्रोशिया ले लिया है और बहुत अच्छे लूज हाथ से हम बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गई, तीन चेन यहाँ पर ली थी तो यहीं पर हम पहली चेन में से फिर से स्लिप स्टिच, यहाँ पर हम अपना राउंड जो है ख़त्म कर देते हैं इस तरीके से। अब ये जो स्टिच है इसके अंदर से चेन में से एक एक बार इस तरीके से स्लिप स्टिच लेते हुए, जैसे हम यहाँ किनारे पर आ गए, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमें अपना पिंक कलर का धागा लगाना है। तो देखिए आप इस तरीके से एक छोटा सा लूप बना लीजिए अगर आपको बांधना नहीं है तो, इस तरीके से ये देखिए, ठीक है ये बना लिया। अब यहाँ से हम इसको यहीं छोड़ देंगे धागे को, क्योंकि हमने इस तरीके से पहले चेंज करके ये सेम इस कलर की फिर इस कलर की, फिर सिर्फ हमें दो बार लगाना है। तरीका वही है सेम, सिर्फ मैं आपको धागा लगाना दिखा रही हूँ। इस तरीके से लगाया हमने, ये देखिए, और इसके अंदर से निकाल कर फिर से हम तीन चेन ले लेंगे, एक दो और ये तीन, तीन चेन ले ली हमने। इस धागे को थोड़ा सा हम खींच लेंगे तो ये सेट हो जाएगा, और फिर से ये जो कोना हमारा ऐसे ही बनाना है, तीन बार डबल क्रोशिया, एक और ये दो, और ये हम चेन भी गिनेंगे, और फिर एक दो चेन, और फिर से तीन बार सेम जगह से कोना हमने बनाना है, एक दो और ये तीन, कोना बन गया हमारा। ये देखिए अब फिर से सेम हर जगह से तीन तीन बार इस धागे को हम यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि हमें दोबारा लगाना होगा, और इस तरीके से तीन तीन बार स्टिच करते हुए, एक
दो और ये तीन, ऐसे यहां से यहां से ऐसे लेते हुए यहां पर कोना बनाते हुए फिर से हम यहां पर आके स्लिप स्टिच लेके यहां पर अपना धागा छोड़ देंगे और ये दूसरा धागा लगा के जो हमने यहाँ छोड़ रखा है इसी से फिर से एक राउंड ले लेंगे। उसके बाद हम ये नीचे वाली फ्रिल बनाएंगे, तो एक राउंड इससे और एक इससे लेके फिर आते हम। ये देखिए हमने इस कलर से कोना एक कोने पे आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने कैसे धागा चेंज करना है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पर तीन बार डबल क्रोशिया ले लिया और ये जो तीन चेन है यहाँ पर जैसे हमेशा करते हैं तीसरी चेन में से स्लिप स्टिच, ये देखिए ठीक है, और यहाँ से स्लिप स्टिच और ये देखिए ये वाला धागा हमने ले लेना। अब इसको छोड़ देना क्योंकि अभी हमें एक राउंड और इसका लेना है, और यहाँ से लूप में से इसको यहाँ से इस तरीके से ले लेना है और फिर से तीन चेन और अपना सेम बनाना, तीन बार डबल क्रोशिया, दो चेन तीन बार डबल क्रोशिया और अपना यहाँ पर आ जाते हैं। फिर इस धागे को तो हम कट कर देंगे और यही पिंक वाले का सिर्फ हमारा काम रह जाएगा लास्ट वाले राउंड का। तो ये देखिए हमारा खत्म हो गया यहाँ पर राउंड। अब हम कलर चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर अपना पहले से धागा था हमने इस तरीके से उठा लिया, तीन चेन लेंगे और यहाँ पर जैसे तीन चेन तीन डबल क्रोशिया दो चेन ले रहे थे ऐसे ना लेकर अभी हमें लास्ट का बॉर्डर बनाना ये बनाना है। तो यहाँ पर हम जो है आठ बार डबल क्रोशिया लेंगे, तो आठ बार डबल क्रोशिया ले लेते हैं। ये देखिए आठ बार डबल क्रोशिया ले लिया। अब हमने क्या करना है, एक होल छोड़कर दूसरे होल में हमने छह बार डबल क्रोशिया लेना है। तो इसको हम सीधा यहाँ जाएंगे, यहाँ पर ले लेंगे हम सिंगल क्रोशिया, ये ले लिया। अब उससे अगले में हम छह बार डबल क्रोशिया लेंगे, तो यहाँ पर छह बार डबल क्रोशिया लेके फिर अगले उसमें हम जाएंगे तो सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से बस हमने बनाना, बहुत सिंपल सा है। ये देखिए तीन चार पांच और ये छ, छ हो गया। फिर इस अगले होल में सिंगल क्रोशिया, फिर उससे अगले होल में छह बार डबल क्रोशिया और कोने में, इस कोने में हमने आठ बार लिया है और उस कोने में भी हम आठ बार लेंगे और यहाँ पर आके खत्म कर देंगे, हमारा पौचू तैयार हो जाएगा। ये देखिए हम दूसरे कोने पे आ गए, यहाँ पर हमने छह बार डबल क्रोशिया लिया और यहाँ पर अगले उसमें हमने ये सिंगल क्रोशिया ले लिया और फिर सीधे इस लूप में हम आठ बार डबल क्रोशिया लेंगे। तो इस तरीके से हमने बनाना, तो कुछ हमारा इस तरीके से नजर आ रहा है देखिए। तो ये देखिए हम इस तरीके से अपने लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लिया और यहाँ पर तीन चेन थी, यहाँ पर स्लिप स्टिच लेके हमने ये खत्म कर दिया। तो आपको जब भी जितना भी बड़ा बनाना हो बनाकर आप ये लास्ट में ये राउंड लेके आप खत्म कर सकते हैं। यहाँ से मैं धागा कट कर रही हूँ और ये देखिए हमारा पौंचू तैयार हो गया है। अब हमें सेम साइज का मैंने बनाया है देखिए, तो ये हमारे कान्हा जी के लिए है, बेचारे ठंड में बैठे हैं। तो ये देखिए हमने कुछ 14 इंच के करीब हमने चेन बना लिए, देखिए थोड़ा सा आगे जा रहा है। अब हम धागा कट कर लेंगे और इसको क्रोशिया की सहायता से ही हम यहाँ से जहाँ पर भी आपको कौन सी आपको सीधी साइड रखनी है ये रखनी है, जैसे आप कईयों को होता है कि नहीं ये वाली रखनी है ये रखनी, जो भी आपको रखनी है जहाँ से भी, जैसे हमने यहाँ पर धागा कट किया है तो हम इसको बैक साइड कर लेते हैं। यहाँ से हम ये अपनी ये देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये कोना है हमारा, यहाँ से इस तरीके से डबल क्रोशिया की एक एक स्टिच ऐसे ऐसे उठानी है आपको ऐसे करके, और आप एक क्रोशिए से की मदद से ऐसे खींच लेना है, तो आप एक साथ खींच सकते हैं। ये देखिए ऐसे आपको चारों तरफ डाल के यहाँ पर ले आना है, ऐसे आपको ये डोरी डालनी है। और ये पौंचो आप किसी भी बड़े साइज का बनाना हो, बड़े से बड़े छोटे के छोटे सेम तरीका होता है, सिर्फ नेक की चेन का फर्क होता है। बच्चे के गले में डाल के देखिए आपको, उसके बाद सेम ऐसे ही बनाना है आपने, बस आपको लेंथ पूरी करनी है। तो ये नहीं कि कान्हा जी का अलग तरीका है या बड़े का, सेम तरीका है। तो देखिए अब हम ये जो हमने चेन डाली है उसमें इस तरीके से हम डाल बनाकर लगाएंगे, तो ये हमने चेन ऐसे छोड़ दी है। तो चलिए बनाते हैं पिंक कलर का। ये देखिए आप ऐसे सर्कल बना लीजिए इस तरीके से छोटा सा, ये मैजिक रिंग बोलते हैं इसको, इस तरीके। और यहां से हम एक चेन ली हमने और सीधा हम इस तरीके से डबल क्रोशिया लेंगे, एक
दो, तीन, चार और ये पांच। पांच बार डबल क्रोशिया ले लिया। अब ट्रिपल क्रोशिया, एक दो, ये हमने एक बार ट्रिपल, पहले दो का एक, फिर दो का एक और फिर दो का एक, फिर लंबी स्टिच होती है, उसके बाद फिर से हम पांच बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। पांच बार हमने डबल क्रोशिया ले लिया और ये धागे को पकड़ के हम खींच देंगे, तो ये देखिए सब इकट्ठा हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गया। और यहाँ से हम स्लिप स्टिच लेके इस तरीके से इसको बंद कर देंगे, यहाँ से धागे को कट कर देंगे थोड़ा सा लंबा खींच कर, ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए जब हम इस तरीके से खींच देंगे तो कुछ हमारा ऐसे नजर आएगा। तो ये हम थोड़ा सा अच्छे से फिनिशिंग कर लेते, खींच कर ऐसे नोट बांध लेते हैं इन दोनों को आपस में, जिससे ये खुले नहीं। और ये हम चेन के साथ में लगा देंगे, ये देखिए हमने ऐसे बांध दिया।